अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोर पर चल रहा है, और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रोक विधि विधान के नियम अनुसार बन रहे हैं, और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले सप्ताह में अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि लगभग 6 महीने से अहमदाबाद के श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा इन ध्वज स्तंभों को बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है, तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है, और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है, और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है, और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का बड़ा, और वेट के हिसाब से देखें तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें, हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की दोपहर भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 8000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राम भगवान के अभिषेक के उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोर पर चल रहा है, और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है,
जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रोक विधि विधान के नियम अनुसार बन रहे हैं और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले सप्ताह में अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि लगभग 6 महीने से अहमदाबाद के श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा इन ध्वज स्तंभों को बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है, तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट्स सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाए था आज तक का बड़ा, और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की दोपहर भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 8000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राम भगवान के अभिषेक के उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोर पर चल रहा है और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रोक विधि विधान के नियम अनुसार बन रही है और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले सप्ताह में अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि लगभग 6 महीने से अहमदाबाद के श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा इन ध्वज स्तंभों को बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बन रहा है।
उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है, तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है, उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज़ नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट्स सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का, बड़ा बड़ा, और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5,500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें, हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की दोपहर भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 8,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राम भगवान के अभिषेक के उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोर पर चल रहा है और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रों विधि विधान के नियम अनुसार बन रही है और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले सप्ताह में अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि लगभग 6 महीने से अहमदाबाद के श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा इन ध्वज स्तंभों को बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है, तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है,
जी श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है, उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का बड़ा बड़ा, और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 केजी का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5,500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की दोपहर भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 8,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राम भगवान के अभिषेक के उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार, मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोरों पर चल रहा है और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रोक विधि विधान के नियम अनुसार बन रहे हैं और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले सप्ताह में अयोध्या भेजे जाएंगे। बता दें कि लगभग 6 महीने से अहमदाबाद के श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा इन ध्वज स्तंभों को बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या में आप सब जानते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है, तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जी श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज है, उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है, वो पूरा पीतल का बनता है, भी उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फुट का बनाया था आज तक का बड़ा बड़ा, और वेट के हिसाब से देखे तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 4
50 केजी का बनाया है, उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5,500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसके उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमें हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया आज तक का। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 की दोपहर भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 8,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राम भगवान के अभिषेक के उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या को लेकर कहा जाता है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी ना तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। मतलब कि गंगा व गोदावरी और तीर्थों के राजा प्रयाग का अपना महत्व है, किंतु सबसे पुण्यकारी वह अयोध्या नगरी है जहां हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और अब उसी अयोध्या में करोड़ों राम भक्तों का सैकड़ों वर्ष का सपना साकार हो रहा है। धर्मनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। यही कारण है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य धर्मनगरी में जोर पर चल रहा है और राम मंदिर के साथ साथ 6 अन्य ध्वज स्तंभों का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बन रहे ये ध्वज स्तंभ दंड शास्त्रोक विधि विधान के नियम अनुसार बन रहे हैं और इसे बनाने में छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी ध्वज स्तंभ अगले